कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड आउट कि आपका टाइम जाता कहाँ है. मेनी अ टाइम्स वी डोंट नो, टाइम जस्ट फ्लाइज. वेंट टू द क्लास, गिवन द टेस्ट, खत्म. खाना खाया, थोड़ा एंटरटेनमेंट किया, इट्स डन. ऐसा मत होने दीजिए. जस्ट कंट्रोल योर डे. फाइंड आउट कि एवरी सिंगल डे व्हाट्स हैपनिंग इन माय डे. ओके, एंड इन दैट डे यू हैव टू स्ट्रक्चर इट. लाइक आई यूज टू स्टार्ट विथ रीडिंग द न्यूज़पेपर. थोड़ा सा यू नो बूस्ट ऑफ द डे हो जाता है. सो स्टार्टेड विथ रीडिंग न्यूज़पेपर. एंड देन थोड़ा सा उससे नोट मेकिंग किया एडिटोरियल से. देन आई मूव्ड ऑन टू द स्टैटिक पोर्शन. एंड आई केप्ट वन पर्टिकुलर सेट ऑफ माई डे फॉर आंसर राइटिंग. सी एवरीथिंग व्हेन आई इफ यू गो थ्रू माई मार्क्स, आई गॉट लाइक 417 GS एंड अ लिटिल बिट डिसेंट इन सोशो एज वेल आई थिंक. एंड बट इफ यू गो थ्रू माई प्रिलिम्स मार्क्स, आई स्कोर्ड 104 विच वॉज जस्ट लाइक 6 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ. सो तीन क्वेश्चन आते हैं, आई वुड नॉट हैव बीन हियर. लेकिन एक चीज जिस पे आई हैड कॉन्फिडेंस, दैट वाज फर्स्ट पी इज अबाउट प्रोडक्टिविटी. कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना. कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज का प्रॉब्लम है. मेरे साथ भी होता था ऐसा ही. ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है. टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है. तो उसके लिए तो एक चीज ये कि मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फोन सबसे बड़ा, उसका जो यूट्यूब का ऐप है, उससे जो रेकमेंडेड वीडियोज में हम चले जाते हैं, उन चीजों को थोड़ा सा मैंने कम किया. उसके अलावा और भी जितनी चीजों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर, पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की. और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की. हमारा हर दिन अलग होता है ना. कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है. लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 hours, मैं कहूंगी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा आप लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, बट तो किसी कोई भी एग्जाम जो है वो 5 to 6 hours आपको रोज, मतलब मैं कहूंगी कंसिस्टेंटली आपको देने की जरूरत है. और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए. क्योंकि हर दिन नया होता है. अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया यहां से यही करूंगा और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था. तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी. एक ये कहना चाह रही हूँ प्रेपरेशन की. तो प्रेपरेशन में अगर यूपीएससी स्पेशली बात करूं, तो मेरे पूरे प्रेपरेशन के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स रहे. एक था करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पिलर है क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आजकल ना डायनामिक होती जा रहे हैं. कि वो ये नहीं जानना चाहते कि चलो शाहजहां ने बना दिया ताजमहल, वो तो हमें पता है, अब उसकी आगे की बात करो. तो अब जो डायनामिज्म एग्जाम में आ रहा है उसके लिए करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए. और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर को जो है सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ा. पहले इंडियन एक्सप्रेस, मतलब पहले तो द हिंदू पढ़ती थी, फिर जब इंटरव्यू मेरा पास आया तो फिर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस भी शुरू किया पढ़ना. और जो भी आप हिंदी माध्यम में अगर कुछ बच्चे दे रहे हो तो आप उस तरीके के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. लेकिन न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ें क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा अपने आप को चीज़ों को समझने में, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो पता करने के लिए आपको हेल्प करेगा. मैं कहूँगी 60% ये मेंटल करेज है और ये 40% जो पढ़ाई है. तो उस मेंटल करेज को बिल्ड करने के लिए दो एम है. एक है माइंडसेट, कैसे आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं. देखिए एक बात होती है, जैसे आप खड़े हैं वहां पर, चलिए आपको नहीं खड़ी, जैसे हम कभी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, अब तो पढ़ ही नहीं पाऊंगी. तो ये क्या है, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. हम अपने दिमाग से कई बार कंट्रोल हो जाते हैं. हमें करना यह है कि हमें अपने आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना है. हमें उसको बताना है कि नहीं, आज अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये इतना ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो मैं करके रहूंगी. तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा. ठीक है, जब तक हम अपने माइंड को, अपने हार्ट को नहीं एक जगह फोकस कर सकते, कर पाएंगे,
तब तक हम अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने आप को ज़रूर बताते रहिए। और जो दूसरा एम की मैं बात करती हूँ वो है मोटिवेशन। तो कई बार ऐसा सब ऐसा पूछते थे, मैं भी जब पढ़ रही थी तो इंटरनेट में ऐसे यूट्यूब पे सर्च करती थी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो लेकिन वो चीज़ मुझे बाद में समझ आई कि बाहर का कोई इंसान मुझे नहीं बता सकता कि हाउ विल आई स्टे मोटिवेटेड। तो फिर थोड़ा अंदर मुझे झांकना पड़ा और तब मुझे समझ आया कि मैं कैसे मोटिवेट हूँ। तो फिर जब आपको मन करे ना कि आज तो हो गया, आज बहुत पढ़ाई करी, तब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्या है जिसने मुझे पुश किया कि मैं ये करियर चुनूं? ऐसा क्यों है कि मैं SSB की एग्जाम के लिए बैठ रही हूं या बैठ रहा हूं? Why is it? अगर आपका why तगड़ा है ना, तो आप पूरी जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे। इसलिए अपने why को, why do you want to join the civil service? Why do you want to clear this exam? That is very very important. So don't start कि अगर करूंगा तो अच्छा वो मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिल जाएगी। अगर आप प्रेस्टीज को सोचकर अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा दिनों तक वो आपको मोटिवेट नहीं रख पाएगा। मोटिवेशन आपको कहीं ऐसे ऐसी जगह से आना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी बच्चे को देख रहे हो, किसी दुकान पर काम करते हो, तो क्या आप ये सोचते हैं कि वो बच्चा वहां पर नहीं होना चाहिए? वो बच्चा अभी स्कूल में होना चाहिए। क्या हम कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से? क्या हम किसी ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं कि उस बच्चे को वहां से निकाल कर स्कूल में भर्ती करा दें? तो ये चीज आपको मोटिवेट करनी चाहिए। जिस दिन आप सोसाइटी से जुड़ने लगेंगे और समझने लगेंगे कि कुछ और लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, हम बहुत लकी हैं और हम उनकी मदद कैसे करें, तो फिर बहुत जर्नी जो है ना आसान हो जाते हैं। तो एक ये चीज मोटिवेशन की थी कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करिए। मैं लकी रही कि मैं मम्मी पापा के साथ रहकर, घर में रहकर पढ़ाई की मैंने। तो जब भी कभी बोर होती थी, मम्मी से बातचीत कर लेती थी किसी टॉपिक के बारे में। आप भी अपने मम्मा से, पापा से, या डियर फ्रेंड, आपके भाई बहन जो भी हों, उनसे इस बात का डिस्कशन करें। और इसके अलावा डी स्ट्रेस भी हूँ। और एक और बात मैम से बात करते हुए मुझे याद आई कि मुझे ज़रूर आपसे शेयर करनी चाहिए, वो है हमारा न्यूट्रिशन और हमारा पूरा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं। देखिए, हमारा दिमाग, आपने पढ़ा होगा ना साइंस में कितना परसेंट वाटर होता है। आवर ब्रेन इज व्हाट परसेंट, हाउ मच परसेंट इज इट वाटर? 70%, यस। सो क्लोज टू 70% ऑफ आवर ब्रेन इज जस्ट वाटर। और अगर हम वाटर ही, पानी ही नहीं पियोगे तो कैसे पढ़ाई होगी? इसलिए हमेशा आपको हाइड्रेटेड रहना है। पढ़ाई के बाद जूस, अच्छा चाय कॉफी नहीं है, जूस एंड अच्छा पानी, ये तो जूस पियो तो पानी प्लीज। हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, अपने टेबल पे हमेशा ये चीज रखिए। और दूसरी चीज है न्यूट्रिशियस फूड। तो मैम तो बिल्कुल मम्मा जैसे रखती हैं आपको, तो आप बिल्कुल न्यूट्रिशियस फूड लेते रहिए जहां भी आप रहते हैं। प्लीज, आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो प्लीज अपने आप को कभी भी वो मत कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब स्ट्रांग होगी ना तभी अपन अच्छे से हेल्दी होकर पढ़ पाएंगे। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट फ्रंट। जुनू जिगर पे लक्ष्य नजर पे चढ़ जावे रे, वही कलेक्टर हो जावे रे, वही बट यू नो स्पीकिंग की होता क्या है एग्जैक्टली? तो एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको सर्विस अलॉट हो जाती है। कार्डर की कभी कभार अलॉट होता है, कभी बाद में होता है। बट मेजरली यू आर सेंट टू द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवासना इन मसूरी, वेर यू आर ट्रेन्ड फॉर नियरली 1.5 ईयर टू 2 ईयर्स। आपको बहुत ही रिग्रेस एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है ऑन अ नंबर ऑफ इशूज। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे हमारी फर्स्ट पोस्टिंग होती है वो फील्ड पोस्टिंग होती है, वेयर वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ लैंड लॉज, रेवेन्यू लॉज। तो हमारी बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है रेवेन्यू लॉज में, CRPC में, IPC में। और इसके अलावा वी आर टॉट अबाउट अ रेंज ऑफ टॉपिक्स, यू नो कि जैसे कोई भी न्यू इंपॉर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं जो फील्ड में इंप्लीमेंट होंगी तो उसके बारे में ब्रीफ दिया जाता है। गेस्ट स्पीकर्स बुलाए जाते हैं, सो IAS ऑफिसर्स और अदर ऑफिसर्स फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज आर कॉल्ड टू गिव देयर एक्सपीरियंसेस टू शेयर द की लर्निंग फैक्टर्स विच हैव बीन देयर ऑपरेटिंग इन द फील्ड फॉर देम, जो हमें यूजफुल हो सकती हैं। तो ऐसे गैमिट ऑफ चीज़ें सिखाई जाती है ट्रेनिंग में। एंड
ट्रेनिंग में इसके अलावा लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक बहुत ही होलसम एक्सपीरियंस रहे. एंड हमारे इवन ट्रेनिंग हमारी इवेल्यूएट की जाती है, हमारी एग्जाम्स होती हैं. एंड इनफैक्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग मार्क्स और UPSC के एग्जामिनेशन मार्क्स को टोटल किया जाता है. और आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि इवन मेरे आई स्टूड फर्स्ट.